Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाने लग रहे हैं. ये बहुत पुरानी पतंग है, बहुत 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 ज़्यादा 45 ईयर्स पुरानी पतंग है फ्रेंड्स. और ये कलकत्ता के एक बहुत ही अच्छे नामी कारीगर के हाथ की बनी हुई पतंग है. और जो काइट मेकर हैं वो कलकत्ता से हैं. और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग जो है कलकत्ता के जो अच्छे अच्छे काइट मेकर्स हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अभिजीत मुखर्जी और प्रतीक कुंडू और उसके अलावा बोंग अड्डा, इन तीनों का आप चैनल देखिए. इनके चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करिए तो कलकत्ता के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. वहाँ पे बहुत 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 अच्छे कारीगर हैं फ्रेंड्स. ये पतंग की जो आप हालत देख रहे हैं इतनी ख़राब है. इसकी हालत जो है एक चील ने ख़राब करी थी फ्रेंड्स. आज से 15-16 साल पहले मैंने जब इस पतंग को उड़ाया था और इसको एक चील ने फाड़ दिया था और फाड़ करके ये इसकी हालत करी है. और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पतंग को हमने आज से 2 साल पहले इंडिया गेट पे भी ले जा करके उड़ाया था. तब भी इसकी कंडीशन ऐसी ही थी, चारों तरफ से फटी हुई थी. ये देखिए फ्रेंड्स. तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा उड़ा करके देखते हैं. बहुत ज़्यादा तो नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा ही उड़ाएंगे क्योंकि ये मेरे पास जो है अभी टकरा गया था फ्रेंड्स, लेकिन टकराने के बाद उड़ गया. ज़्यादा हम लोग इसको खींचातानी नहीं करेंगे इसकी, लेकिन आप चाल देख करके आप समझ गए होंगे. फ्रेंड्स, आज मेरा क्वेश्चन भी है आप लोगों से, मैं पूछना चाहूँगा कि ये किस कारीगर की हाथ की बनी हुई पतंग है. कोलकाता के मस्त पतंग है फ्रेंड्स. मैं बता दूं कि ये पतंग जो है 2000 मीटर पे, जहाँ पे आपको बहुत हल्की सी मामूली सी दिखाई देती है पतंग फ्रेंड्स, उतनी दूर पे जाकर के लड़ने वाली पतंग है. और कलकत्ता के बहुत ही जो पुराने कारीगर हैं ये उनके हाथ की बनी हुई है. कारीगर का नाम मैं देखता हूँ कि कौन सा सब्सक्राइबर मेरा बताता है, कोलकाता का बताता है कि दिल्ली का सब्सक्राइबर बता पाता है कि मुंबई या रामपुर, बनारस, इलाहाबाद, किस जगह का काइट लवर बता पाता है कि लखनऊ का बता पाता है. देखिए पतंग की चाल आज भी देखिए फ्रेंड्स. मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ इसको, बहुत स्मूथ खींच रहा हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे को खुद ही डर लग रहा है इसको खींचने में फ्रेंड्स. लेकिन पतंग देखिए कितनी मस्त है फ्रेंड्स. अगर इसको 1, 2, 3 के मांझे से उड़ा दिया तो ये मांझे को तोड़ करके ले जाएगा. और ये उस समय की पतंग है जिस समय जो है C-28 उड़ा करता था, यानी C-28 एक पांडा मांझा होता था, सीधे बल का पांडा मांझा होता था. ये उस पीरियड का पतंग है फ्रेंड्स. और अभी भी देख सकते हैं आप इसका, अभी आपने लेफ्ट चाल देखा, ये देखिए राइट. अगेन मैं आपको लेफ्ट दिखाता हूँ, ये देखिए लेफ्ट. अगेन मैं राइट दिखाता हूँ, ये देखिए राइट. मैं खींचूँगा नहीं, बस थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बिल्कुल एकदम उंगलियों पर और हल्का सा मैं देखिए इसको नीचे उतारा. बहुत ही बेहतरीन पतंग है फ्रेंड्स. कलकत्ता में भी बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक काइट मेकर्स हैं. और वहाँ पे भी काइट लवर्स बहुत हैं कलकत्ता के अंदर. लेकिन कलकत्ता के जो है काइट मेकर्स के बारे में हमको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वहाँ पर बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो काइट मेकिंग के ऊपर, काइट फाइटिंग, काइट फ्लाइंग के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा न उड़ाते हुए इसको हम लोग वापस उतार लेते हैं क्योंकि ये एक जो है ये मेरे लिए एक डायमंड है, डायमंड हीरा है ये पतंग, मेरे लिए हीरा है. आप लोगों के लिए पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए हीरा है. ये 45 ईयर्स पुरानी पतंग है फ्रेंड्स. जी हाँ, 45 ईयर्स. और देखिए आज भी मैंने उड़ा दी. बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि 45 साल क्या 20 साल पुरानी भी पतंग नहीं उड़ सकती है, लेकिन मैं सब कुछ करता हूँ फ्रेंड्स. मैं आपको बता दूँ, सब चीज़ का एक टेक्निक होता है. और ये देखिए फिर ये आ गया गंदा, ये पता नहीं अपने साथ क्या लेकर के जा रहा है, किसी का कुछ तोड़ फोड़ करके. फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग उतारते हैं. और उतारने से पहले मैं एक सेकंड के लिए बोलूँगा कि DSLR कैमरे से बना दे थोड़ा सा इसको. फ्रेंड्स, अब आप लोग DSLR कैमरे से देख रहे हैं और इसकी चाल देखिए फ्रेंड्स, कितनी मस्त चाल है. और मेरे को खुद ही डर लग रहा है फ्रेंड्स इसको ज़्यादा खींचने उतने में. और ये सदी से उड़ा रहा हूँ मैं तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको उतार लूँगा और उतार करके आप लोगों को दिखाऊँगा. देखिए एकदम आसमान में टंग गया. कोलकाता की पतंग की खासियत देखिए, जितना ही खूबसूरत शहर कोलकाता है उतना ही खूबसूरत वहाँ की पतंगे हैं. और काइट लवर्स भी बहुत हैं कलकत्ता में, बहुत काइट लवर्स हैं फ्रेंड्स. पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के पास, बिल्कुल एकदम विक्टोरिया मेमोरियल जो था उसके पास जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे बहुत पतंगबाजी होती थी. आजकल पूरे कोलकाता के अंदर बिखर गया है. मज़ा आ रहा है बहुत इस पतंग को उड़ा करके. इसकी चाल बहुत मस्त है फ्रेंड्स.
तो अब मैं इसको उतारने लगा हूँ और कैमरामैन को बताता हूँ कि पूरा उतारते हुए दिखाए इसको। चारों तरफ से इसको जो है चीज फाड़ दिया था, बहुत बुरे हाल में था फ्रेंड्स। ये पतंग आप देख सकते हैं, इसकी हालत को देख करके आपको पता लग गया होगा कि कितनी पुरानी पतंग है और इसको किस बुरी तरह से चील ने डैमेज किया था। इसका तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ हिस्सा पेपर ले गया था चील अपने साथ फाड़ करके। इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो टुकड़ा लगा हुआ है, ये अलग कागज लगा हुआ है, उधर भी एक टुकड़ा लगाया गया लाल पेपर, ये भी अलग लगाया गया। इतना हिस्सा फाड़ करके चील ले गया अपने साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये सारा के सारा जो है ये दूसरा कागज लगा हुआ है। तो चील ने बहुत नुकसान पहुँचाया था इस पतंग को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर डोमेन होस्ट और इस पतंग को भी एक लाइक कर देना। और मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते कि इस पतंग को किस कारीगर ने, कोलकाता के किस कारीगर ने बनाया था। तो बनाया था नहीं फ्रेंड्स, बनाया है, मैं तो है बोलूँगा, इसको लाइफ टाइम के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पतंग को हमने 2 साल पहले इंडिया गेट में भी ले जाकर के उड़ाया था और इसी कंडीशन में उड़ाया था, तब भी ये ऐसे ही फटा हुआ था। तो मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा कौन सा सब्सक्राइबर आकर के सही जवाब देता है।